प्यारी आवाज है, मेरी मम्मी भी बहुत फैन है आपकी आवाज की। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं आज आपसे मिलने कौन आया है। मेरा नाम गुणवंत वाडेर है। मेरा नाम जयश्री वाडेर। अब हमारी उम्र के 60 साल खत्म हो गए, हमारे सारे सपने पूरे हो गए। लड़का जॉब कर रहा है, लड़कियां ससुराल गई। हमें अब सिर्फ यही एक ही टेंशन है, हमारे लड़के के लिए बहू चाहिए, वो भी हमारे इंडियन आइडल में हमें मिल गई है। निशा जो है ना, वो बहुत सुंदर और बहुत अच्छी है, और उसकी आवाज़ भी बहुत मीठी है। तीन चार जगह पे हम लोग देख के आए, लेकिन हमारी पसंद सिरसा है ना, वहाँ पर अटक गई है। बेटा हमारा, तो वो इतना हमारा ख्याल रखता है और हमें अच्छी तरह से संभालता है। तेरे घर आया, मैं आया तुझको लेने, दिल के बदले में दिल का नजराना दे। बहुत 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 अच्छी तरह से जोड़ी जम जाएगी। हमें तो बहुत, हमने तो जोड़ी जमा ली है। ऐसे हम इंडियन आइडल में आ रहे हैं, सिरसा के लिए रिश्ता लेके आ रहे हैं। टीवी से रिश्ते भी हो जाते हैं। ओ अंकल, ये बाकी बातें बाद में पूछूंगी, एक ही है क्या बेटा? एक ही बेटा है। दो करते तो हो जाता मेरा भी, क्योंकि इधर कुछ ठीक नहीं निकला माल। अरे ऐसा नहीं चलता है। और यहाँ देखो, दो का एक में ही निकल गया। मैं भी गुजराती हूँ। एक किस्सा और सुना देता हूँ। ऑफ कोर्स। अभी पता नहीं, मेरी बेटी बैठी है, मेरी वाइफ सुनेगी पता नहीं क्या करेगी, पर सुना ही देता हूँ। जब मैं गीत गाया पत्थरों ने के आउटडोर पे जा रहा था, मेरी पहली पिक्चर एज ए हीरो, तो किसी दोस्त की गाड़ी में बैठे थे, तो शोभा ने गाना गाया था, हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे, दिल एक मंदिर का गाना है, लता भाई का। वाह। हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे। इतना अच्छा गाया शोभा ने, वो ऐसा अटक गया। मैं 2 महीने का आउटडोर करता रहा, वो गाना ही गूंजता रहा मेरे दिमाग में। सो उसके बाद आई वॉज हुक्ड ऑन टू शोभा विद दैट सॉन्ग। कैन यू इमेजिन? वो तो बातें होती हैं, बट दैट्स द मैजिक ऑफ म्यूजिक, व्हाट इट कैन डू। फिर मैं हर फंक्शन में हर जगह शोभा से गवाता था। आजकल हुड डांट देती है उसको, बोलता ना गा चल सर। पहले सुनाती थी, एंड शी सिंग्स वेल। कहने का मतलब है कि गानों में बहुत मैजिक है, बहुत कशिश है, इट कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। वाह। धैर्य ना रे जब फितरत इश्क की और कैफियत भी अजी बेकरारी बेकरारी इश्क में तो इश्क में ही इश्क की तहजीब है।
आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक आप ही का डायलॉग है सर, जो आपने देवदास में शाहरुख सर के साथ किया था ट्रेन के अंदर, आपके साथ वो डायलॉग हमेशा करना चाहूँगा सर। उधर आ जाओ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। क्या बात है, जैकी सर के लिए एक बार तालियां हो जाए। देव बाबू, दर से दुनिया होता है और दुनिया गोल होता है, इसलिए हम बार बार मिलते। अच्छा ये बताओ कि इतने दिन थे कहाँ, कैसे थे और कैसे हो? यही था, ठीक हूँ। और बस ये बताइए कि आप कैसे हैं चुन्नी बाबू? अरे बादलों के साथ घूम रहे हैं, यहाँ ले जाता है वहाँ ले जाता है लहर की तरह। मगर ये बताओ, तुम बड़े परेशान से लग रहे हो, क्या बात है? अपने हिस्से की जिंदगी तो हम जी चुके हैं चुन्नी बाबू, अब तो बस धड़कनों का लिहाज करते हैं। क्या कहें ये दुनिया वालों को जो आखिरी सांस पे भी एतराज करते हैं। वाह वाह वाह, ये तो शेर से शायरी हो गई। दिल दिल के छालों को कोई शायरी कहे तो परवाह नहीं, तकलीफ तो तब होती है जब कोई अपना वाह वाह करता है। अरे वाह 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 बंधु, वाह वाह, क्या बात है बंधु। अरे मौजी, क्या बात है दानिश, क्या बात है मेरा, क्या बात है। नौजवानों बात मानो, कभी किसी से न प्यार करना। नौजवानों बात मानो, कभी किसी से न प्यार करना। Hey.
सबका है प्यार ढलती छाया है, देखो फिर ना करना गेला। प्यार ही धड़कनों की कहानी है, प्यार है हंसी दास्तां, प्यार अश्कों की देता निशानी है, प्यार में चैन कहां। प्यार की बातें जिसने न मानी है, उसकी रातें ज़मीन है आसमां। मैंने कहा था ना, माय गॉड, अजूबी अजूबी भी कुछ वीक वर्ड लग रहा है इनके सामने। व्हाट अ परफॉर्मर, माय गॉड। मैं इंडियन आइडल को दाद देती हूँ। व्हाट अ फाइन, क्या क्या आर्टिस्ट आप लोग ने ढूंढ निकाला। ऐसा लगता है कि इसने 50 साल से परफॉर्म कर रही है। You look as if you should be in Hollywood. Yes, par absolutely. Thank you so much. All of you musicians, kya saath aur kya matlab? Actually, I saw a fantastic performance. Great, great. Aise lag raha hai. Oscar-winning performance lag raha hai. Really great, Shamba. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.